अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं टू पाकिस्तान। एज यू कैन सी कि हम लोग जो है अभी एयरपोर्ट पे हैं। सारा हम लोग डन हो गए थे चेक इन वगैरह से। अब हम लोग वेट कर रहे थे कि अब हमारा प्लेन आए और हम लोग जल्दी से जाके फटाफट अपनी जो है प्लेन में सवार हो जाएं। इतने में जो है यहाँ जो है लाइन अप होना शुरू हो गई थी। तो अब हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं स्टिल, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई थी चल चल के। तो मैं और जाइम जो है मेरा बेटा, वो नीचे बैठ गए बिकॉज देर वर नो सीट टू सिट अराउंड। सो हम लोग नीचे बैठ गए थे। तो फाइनली अब हम लोग जो है अपनी डेस्टिनेशन के टूवर्ड जा रहे हैं। तो ये देखते हैं कि आगे हमारा सफ़र इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही गुजरेगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं बैठ के थे आराम से, हमें सीट्स भी मिल गई थी अपनी। बट ये है कि प्लेन जो है बिल्कुल ही फुली पैक था। तो बच्चों को तो फटाफट मैंने जो है कार्टून वार्टून लगा दिए थे। तो फाइनली हम लोग जो है टर्किश एयरपोर्ट पे हम लोग लैंड कर गए थे बिल्कुल ही ऑन अराइवल। तो अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने जो है बीच में कैप्चर करना भूल गई थी तुर्की से कराची तक का। तो फाइनली हम लोग यहाँ कराची पहुँच गए। तो ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू है। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया। एयरपोर्ट पे थोड़ी बहुत थकान तो हुई, तो बट ये है कि हम लोग पहुँच कर और फाइनली अपने घर वालों से भी मिले। सबसे मुलाकात हुई ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने जो है वो मोमेंट कैप्चर नहीं किया बिकॉज जाते ही हम लोग बहुत टाइट थे। बच्चों को नाश्ता वाश्ता कराया, ख़ुद भी नाश्ता किया और फिर जो है अराउंड 11 बजे के करीब हम लोग सो गए थे। तो ऐसा था कि वहाँ पहुँचते ही जो है उसी दिन ही जो है रात पे मेरे कज़न की माइयों थी। तो माइयों भी मैंने, क्योंकि मेरा बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था तो मैं बिज़ी अपने आप को बिज़ी नहीं कर पाई ज़्यादा शूटिंग वगैरह में। तो उसके नेक्स्ट डे जो है मेरा कज़न आया था हमें पिक करने, क्योंकि उन्होंने हमें दावत की थी किसी रेस्टोरेंट लेके जा रहे थे अपना बट कढ़ाई कोई रेस्टोरेंट है वहीं हाईवे पे। तो क्योंकि इनका घर भी हाईवे के पास ही है तो हम लोग यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। तो रास्ते में बीच में हम लोग ट्रैफिक में भी फंसे रहे बेचारा। हमें ऑफिस से पिक करने आया था, उसका भी काफ़ी लंबा और टायरिंग सफ़र रहा था। बट ये कि हमने थोड़ा बहुत जो है कराची एक्सप्लोर की और सी ट्रैफिक एक्सप्लोर की तो काफ़ी मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सालों बाद जो है ये गहमा गहमी दिखी। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गहमा गहमी में भी जो है मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया बिकॉज यही अपना मुल्क है और यही अपनी पहचान है। बट जैसा भी हो अपना मुल्क अपना ही है। तो चलें जनाब, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बटकड़ाई। बटकड़ाई पहुँच कर तो हमें बड़ा सरप्राइज हुआ। इतनी खुली स्पेस बटकड़ाई रेस्टोरेंट वालों के पास हाईवे पे है, जिसमें इन्होंने बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट, बच्चों का प्ले एरिया और मतलब काफ़ी, जैसे हम लोग ने तो यहाँ जो है तख्त वाली जो है सेटिंग चूज़ की थी। आगे जो है वो मतलब प्रॉपर डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल वगैरह भी थी। बट यू नो वहाँ तो डाइनिंग टेबल्स में बैठ के खाते हैं। बट ये इसका अपना मज़ा है कि कुछ साइड पे जो है गांव तक किए हों और यहाँ पे हम लोग आराम से बैठ के गए। तो फाइनली यहाँ खाना आ गया था। खाने में जो है यहाँ चिकन कढ़ाई थी साथ रोगनी नान और अपना मटन कढ़ाई और ये जो है टिक्के थे और डिफरेंट किस्म के नान थे और मलाई चिकन भी थी। तो ये रेस्टोरेंट के बाद मरियम से पूछो मेरा, हाँ आए थे जूस पीने, आगा जूस। तो जो है काफ़ी मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जनाब, यहाँ अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।